बीमार पड़ने पर एक जैसे इलाज की सुविधा प्राप्त करने का सबको हक है। यदि मरीज की बीमारी गंभीर है तो उसको तुरंत सभी बेहतर मेडिकल सुविधाएं दी जाती है। लेकिन यदि ये सब इस बात पर तय होने लगे कि आप वीवीआईपी हैं तो आपको पास सितारा सुविधाएं मिलेंगी, तो सरकारों की संवेदना किस हद तक खत्म हो चुकी है आप समझ सकते हैं। ऐसा ही कुछ हुआ है दिल्ली में। क्या है मामला, देखिए इस रिपोर्ट पे। एक तरफ देश में महामारी विकराल रूप ले चुकी है, हालात इस हद तक खराब हो चुके हैं कि लोगों को इलाज तक नहीं मिल पा रहा है। एक बिस्तर की जद्दोजहद में मरीजों की जान चली जा रही है। अस्पतालों में बेड नहीं है। सड़क पर कार या ऑटो में बैठे बैठे लोग अस्पताल में बेड के खाली होने का इंतजार करते दिखाई दे रहे हैं। लेकिन इन आपातकालीन हालात में भी कुछ लोगों को सरकार वीवीआईपी सुविधा देने का इंतजाम कर रही है। दरअसल देश की राजधानी दिल्ली में भी महामारी के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं, जिसकी चपेट में हर कोई आ रहा है। दिल्ली हाईकोर्ट के कुछ जज और स्टाफ इस महामारी से संक्रमित हो गए, तब खुद को आम आदमी की सरकार कहने वाली दिल्ली सरकार, जो वीवीआईपी कल्चर के खिलाफ रही, उनके इलाज के लिए दिल्ली हाईकोर्ट के जस्टिस और अन्य न्यायिक अधिकारियों और उनके परिवारों के लिए 5-स्टार इंतजाम के आदेश दे दिए। दिल्ली सरकार ने सोमवार को अशोका होटल के 100 कमरों को कोविड हेल्थ फैसिलिटी के रूप में कन्वर्ट करने का आदेश पारित किया। आदेश में दिल्ली सरकार ने कहा कि चाणक्यपुरी में प्राइमस अस्पताल अशोका होटल में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सुविधा चलाएगा। सरकार ने कहा दिल्ली उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों और अन्य न्यायिक अधिकारियों और उनके परिवारों के लिए CHC सुविधा स्थापित करने के लिए दिल्ली उच्च न्यायालय से एक अनुरोध प्राप्त हुआ है, जिसको लेकर दिल्ली सरकार ने ये आदेश दिया। दिल्ली सरकार ने नई दिल्ली जिला कार्यकारी मजिस्ट्रेट दिनेश कुमार मीणा को सुविधा स्थापित करने के प्राइमस अस्पताल और होटल अधिकारियों के साथ समन्वय करने के लिए कहा। इसमें कहा गया कि बायोमेडिकल कचरा निपटाना अस्पताल की जिम्मेदारी होगी। आदेश में कहा गया कि होटल के कर्मचारियों को सभी प्रोटेक्टिव गियर और बुनियादी पर्याप्त प्रशिक्षण दिया जाएगा। प्राइमस अस्पताल के द्वारा एम्बुलेंस प्रदान की जाएगी। होटल के कर्मचारियों की किसी भी कमी को अस्पताल द्वारा पूरा किया जाएगा। कमरे, हाउसकीपिंग, कीटाणु शोधन और रोगियों के लिए भोजन सहित अन्य सेवाएं होटल द्वारा प्रदान की जाने वाली अन्य चीजों में शामिल होंगी। शुल्क अस्पताल द्वारा एकत्र किया जाएगा और अस्पताल होटल को भुगतान करेगा। DB लाइव की रिपोर्ट।